तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप दोस्तों ने इतना सपोर्ट और प्यार दिखाया उसके लिए धन्यवाद। और आज मेरे चैनल पे 3500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं आप दोस्तों की सपोर्ट और प्यार की बदौलत। तो ये सब आप लोगों की बदौलत ही हुआ है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, जो न्यू मिस्त्री हैं, जो अभी हमसे जुड़े हैं, जो मिस्त्री साहुल करना नहीं जानते हैं, साहुल में क्या गलतियाँ करते हैं, तो वह सारी गलतियों को आपको सिखाऊंगा सही तरीके से कि कैसी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए जब आप कोई दीवार करें या कहीं पे भी साउल करें, तो साउल किस तरीके से किया जाता है, सही तरीका क्या है साउल करने का। जितना नॉलेज आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इतना नॉलेज अभी तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं न्यू मिस्त्री बना था, जब मैं भी ये गलती करता था, तो मेरा काम सही नहीं होता था। और जब हम साउल करने जाते हैं तो साउल किस तरीके से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या है इसका सही तरीका। तो ये हमारा साउल है, ये साउल किस तरीके से किया जाता है। तो आप अगर नए मिस्त्री हो और पहली बार अगर काम करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये साउल है ना, थोड़ा आप ए भी लेना, थोड़ा वजनदार लेना। और क्या है कि वजनदार आप सीख रहे हो तो सीखने में अगर छोटा वाला साउल लोगे तो आपका काम, मतलब जो छोटा साउल होता है वो क्या होता है, कई बार हवा चलती है साइड पे, हम काम करने जाते हैं तो वो हिल जाता है, तो हिल जाने से वो साउल सही नहीं होता है। और साउल कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सब आपको मैं यहाँ पे, ये हमारी दीवार है, ये दीवार पूरा हो चुका है चिनाई, इसके बारे में आपको यहाँ पे इस दीवार को साउल कैसे किया जिससे ये दीवार बिल्कुल सीधी जाती है। ऊपर नापो या ऊपर मतलब नीचे नापो, उतना ही ऊपर नाप लेना, पूरा जगह आपको फिक्स मिलेगा अगर मैं इस तरीके से बताऊंगा। तो बहुत सारे मिस्त्री ये गलती करते हैं कि नीचे दीवार करते हैं, मान के चलो 10x10 का एक कमरा बना रहे हैं मिस्त्री। जो नए मिस्त्री हैं, पुराने मिस्त्री हैं, वो तो जानते हैं, शायद जो न्यू मिस्त्री अभी हमसे जुड़े हैं और वो नहीं जानते हैं कि मतलब कैसे सही साउल किया जाता है। तो उसका तरीका आपको मैं बताऊंगा। कई बार आपने देखा ही होगा कि आप या न्यू मिस्त्री हो या कोई साउल करना नहीं जानते हैं सही तरीका, तो नीचे 10x10 जगह है और ऊपर जाके उनकी जगह क्या होती है कि बढ़ जाती है। तो वो बढ़ती क्यों है, उसका मतलब क्या रीज़न है, क्यों बढ़ जाती है, वह सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। जो बहुत सारी गलतियां होती हैं साउल करते वक्त, हर कोई मिस्त्री नहीं करता है, लेकिन जो न्यू मिस्त्री हैं उनको नॉलेज नहीं है, वो मिस्त्री ये मिस्टेक और गलतियां ज़रूर करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे सिखाऊंगा इस दीवार पे साउल करना, किस तरीके से करना चाहिए साउल। बिल्कुल आपको ये मतलब वीडियो में पूरा नॉलेज मिल जाएगा साउल करने का कि किस क्या तरीके से साउल करना चाहिए आपको। तो न्यू मिस्त्री हो तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आपको पूरा नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है साउल करने का। तो चलते हैं दोस्तों, साउल कैसे करें अब आपको हम सिखाते हैं। तो साउल करना सीख जाइए दोस्तों इस वीडियो से आपको फुल नॉलेज मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे हमने ये हमारा ईंटा है, ये ईंटा, तो इस ईंटा से हमने साउल किया, हमने लास्ट में यहाँ पे साउल कर लिया। तो ये साउल है ना, तो दीवार से लड़ना नहीं चाहिए और दीवार से इसमें ज़्यादा जगह नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी दीवार जो है तो टेढ़ी हो जाएगी। आप जब नीचे दीवार 10 फिट करोगे, मतलब अंदर आपका दीवार कमरा बना रहे हो 10x10 का, अंदर 10x10 का जगह है कमरा में, और ऊपर जाके आपका 2-3 इंची जगह बढ़ जाता है, तो वो क्या कारण है, वो यही कारण है जब आप साउल करना सही नहीं जानते हो। तो साउल करने का आपको अजा मैं आप सही तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए, हमने आप क्या करते हो, जो न्यू मिस्त्री होते हैं तो वो क्या करते हैं मैं आपको बताऊँगा। देखो भाई, न्यू मिस्त्री क्या करते हैं, जो गलती मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ये हमारा ये इसका पॉइंट है, ये साउल का पॉइंट है। तो सबसे पहले तो ये साउल का पॉइंट है ना, तो इसको अपन ऐसे साउल करेंगे तो यहाँ पे पकड़ लेते हैं, तो इसको ऐसे पकड़ना है, इसको इस तरीके से पकड़ना है, ना कि ऐसा करना है ना कि ऐसा करना है। अगर ऐसा करोगे तो ज़्यादा जगह रह जाएगी, और अगर ऐसा कर लोगे तो आपका दीवार टेढ़ा हो जाएगा। और इस तरीके से आपको पकड़ के और साउल करना है, तो साउल में इतनी जगह रहनी चाहिए, इतनी जगह आपके साउल में करते वक्त रहना चाहिए। अगर ये वाला साउल है आपका, तो इसी तरीके का साउल लेना बड़ा, तो इतना जगह रहना चाहिए, और हर ईंट पे आपको इसी तरीके से इतना ही जगह रहना चाहिए। दिखा भाई, ये देखो, हर ईंटा पे आपको इतना ही जगह मिलेगा, चाहे कोई सी भी ईंटा में आप लगा लो। यहाँ पे ये DCP है, तो इसमें ये देखो, आप नीचे से आपको साउल करके बता रहा हूँ,
ये देखिए भाई, नीचे भी इतना ही हमारा जगह है और यही ईंट पे हमारा सावल लगा हुआ है, हमने कोई ईंट चेंज नहीं की। दिखाने देखो भाई, इस ईंट पे सावल लगाया है और वो हमारा सावल में इतना ही स्पेस आया है। चाहे आप कोई सी भी ईंटा से ये सावल को मैं आपको डाल के दिखा दूंगा कि ये तरीका हमने कौन सा तरीका इसमें यूज किया जिससे हमारा जो सावल है तो इतना ही स्पेस हमारी दीवार में आया। ये देखिए आप, थोड़ा सावल हिल रहा है, तो ये देखिए ये हमारा ऊपर ये केंडा है, तो केंडा सही सीधे से पकड़ना है आपको और इतना ही आप 5 mm आपके सावल में जगह रहना चाहिए। चाहे आप नीचे की ईंटा पे डाल लो चाहे ऊपर की ईंटा पे डाल लो, आपको जगह एक बराबर ही रहना चाहिए। ज़्यादा जगह नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपकी दीवार टेढ़ी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब चाहे आप 10 फीट ऊंचाई दीवार करो लेकिन सावल में इतना ही जगह रहना चाहिए, 5 mm। ये थोड़ा हवा चल रहा है इसके कारण हिल रहा है, लेकिन इसमें 5 mm जगह है। ऊपर दिखा भाई, ऊपर देखो, ये बिल्कुल केंडा आपको इस तरीके से ही पकड़ना है, इस तरीके से। और कई बार कई मिस्त्री क्या करते हैं, देखो कई मिस्त्री बहुत ये गलती कर देते हैं, ऐसे वो सावल डालते हैं ना तो इस तरीके से पकड़ते हैं, इस तरीके से ऐसे। ये हमारा ये धागा है, ये सावल का धागा, तो इसमें उंगली ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं, तो उसका मतलब सावल सही होगा कहाँ से। लेकिन आपको सावल करते समय ये बात ध्यान में रखना है कि आपको सावल इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से यहाँ पे ये उंगली लगाई और इस तरीके से अंगूठे और एक बीच की उंगली से ये पकड़ा और ये मतलब बीच की उंगली से इसमें लॉक लगाना है। आपको किस तरीके से लगाना है चलो आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ अच्छी तरीके से। देखो ये हमारा सावल पकड़ने का, देखो यहाँ पे देखो, ये हमने दो उंगली ये लिया, एक अंगूठा और ये एक उंगली, और इस तरीके से हमने इसको किया, इस तरीके से यहाँ पे इसको पकड़ना है। दीवार में आपको इस तरीके से लगाना है, देखो इस तरीके से आपको दीवार में लगाना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर पकड़ना है और ये उंगली हमारी ये इस डोरे को धागा को लॉक करने के लिए यहाँ पे रखना है कि कहाँ पे हमें सावल रोकना है कहाँ पे नहीं रोकना, तो वहाँ पे हमारा सावल यहाँ पे लॉक हो जाएगा इस तरीके से। इस प्रकार से हमारा सावल ये लॉक हो गया, हमने यहाँ पे सावल कर लिया और आपका ये खेड़ा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से इसी तरीके से पकड़ना है आपको। अब आपको यह पे ये आपने मैंने आपको बता दिया मतलब सावल इस तरीके से किया जाता है। अब देखो ऐसे बहुत सारे मिस्त्री क्या गलती करते हैं, उनका दीवार मतलब ऐसे 10x10 का कमरा बना रहे हैं, अंदर 10x10 की जगह है, ऊपर जाके उनकी जगह हो जाती है कितनी, ऐसे 10.25 हो जाती है, 10 फुट 4 इंची। अपन ऐसे में नापेंगे लंबाई तो 10 फुट 4 इंची, 10 फुट 2 इंची, 10 फुट 1.5 इंची, 10 फुट 3 इंची, इतना उनका क्यों बढ़ जाता है अंदर का स्पेस, अंदर की जगह। तो इसका कारण क्या है ये आपको यहाँ पे बताऊँगा, आप ये गलती कभी नहीं करोगे अगर आपने यहाँ पे सीख लिया तो। चलो दोस्तों देखो, जैसे कि हम पहले तो ऐसे ये हमारा ये एक ईंटा है, ये हमने एक ईंटा का जुड़ाई किया, एक मतलब एक रद्दा लगाया हमने ईंटों का, इस पर हमको निशान कर लेना है। इस पर आप इस तरीके से आपको निशान कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे हम निशान कर लिए। क्यों निशान नहीं करते हो, कोई मिस्त्री क्या करता है, एक बार इस ईंटा से सावल कर लिए, एक बार इस ईंटा से सावल कर लिए, एक बार इस ईंटा से सावल कर लिए, कोई सी बार इस ईंटा से कर लिया, कई बार इस ईंटा से कर लिया। क्या करते हैं मिस्त्री, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि मतलब हर बार ईंटा चेंज करते रहते हैं, उसके कारण उनकी दीवार क्या होता है कि मतलब टेढ़ी हो जाती है, ऊपर जाके जगह ज़्यादा हो जाती है। तो सावल आपको हमेशा, कोई भी ईंट से आप सावल करो, कोई भी रद्दा आप लगाओ, तो आपको हमेशा एक ईंट ही चुन लेना है, जो लास्ट वाली ईंट होती है हमारी, तो लास्ट वाली ईंट से ही सावल करोगे तो आपकी दीवार बिल्कुल टेढ़ी नहीं होगी और बिल्कुल सीधी होगी, चाहे आप 10 मंजिला इमारत बनाओ चाहे आप 2 मंजिला बनाओ। तो ये गलती भाई आप करते होगे तो कमेंट में बताना, और अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिला तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ये बहुत सारी गलतियां होती हैं जो आप नहीं जानते हो, न्यू मिस्त्री हो और हमारे से जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।